सुनने वालों, जो प्रदेश भी रहता है, मेरा प्यार पहुंचे। आज है 26 जनवरी सेशन 20 यानिवारी। इसका मतलब ये है कि यानिवारी कुछ रोज बाकी है हम लोग के छोड़ करके, और हम लोग पहुंच जाएंगे फेब्रुवारी में भाई जी। लेकिन जो बात आज हम बोलने को जा रहा हूं वो है कि करीबन 12 मिलियन अमेरिकन डॉलर, 12 मिलियन अमेरिकन डॉलर, इतना पैसा जरूरी होगा एक फंड्स के लिए। इस फंड्स में सूरीनाम जनताओं के लिए कोविड-19 वैक्सीन होना चाहिए। अगर एक फंड्स हो सूरीनाम में, तो इस फंड्स में हम लोग के लिए वैक्सीन होना चाहिए। जिस तरह से वैक्सीनेट करते हैं डॉक्टर लोग न भैया जी, लेकिन सरकार और खास करके फरोज खुशों का मिनिस्टर अमर रामाधीन के कहना है कि 12 मिलियन पैसा की जरूरी होगा, कहीं से ये पैसा आना चाहिए और एक फंड्स तैयार होना चाहिए ताकि वैक्सीन, जिस तरह से हम लोग जिस तरह से प्रिक लोग करते हैं ना, पोइटी कहते लोग, तो ये जरूरी होगा। इसी कारण से इसी फंड्स में इसको जमा होना चाहिए भाई जी। इतना पैसा सरकार को जमा करना चाहिए एक फंड्स के वास्ते, 12 मिलियन अमेरिकन डॉलर। आज हम आपको बताएंगे कि जो 24 घंटे के अंदर में जो कंट्रोल हुआ है वो है 55 लोग। 24 घंटे के भीतर में सुनने वालों, 55 लोग बसमत हुआ है। हम बात करते हैं बेयुखी जो कंट्रोल किया है फीलन टिमिन तक यूर के भीतर में 5 तक लोग इंटेंसिव केयर में 9 है और करीबन 149 लोग का मृत्यु हो गई है। 100 तक लोग का मृत्यु हो चुकी है। जब जनता जानते हैं कि यह मामला कोरोना वायरस के बारे में सरकार कितनी प्रोटोकॉल तैयार किया, जनता को कितनी संदेशा देते गया, लेकिन अचानक जब ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार होने लगा, प्यारे जनता वो भी नहीं समझ पाया कि कहां से ये बीमारी आ गया है, कहां से रोजाना इतना लोग बीमार होता है, ये कौन अलंग से आता है भाई जी, ये कौन अलंग से ये बीमारी बसमत जो है ये कौन अलंग से सूरीनाम में आता है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा इसी कारण से सूरीनाम का रखेरिंग आने वाला शुक्रवार से, आने वाला सुख, आज तो मंगल है, मंगल से आज जिस तरह से हम आपसे बात करते हैं मंगल, तो चलेंगे शुक्रवार को 7 बजे रात से लगातार शुक्र शनिचर आतवार सोमवार के सुबह 5 बजे सरकार मुकर्रर कर दिया टोटल लॉकडाउन, सब कुछ बंद रहेगा। मैंने अभी आपसे कहा है कि नया लोग आज
24 घंटे के अंदर में 55 लोग है। कहां से आया ही लोग, कौन अलग से आया है? सरकार खुद न बता पा रहा है कि कौन अलम से ये सब आ करके और ये बस मैट हो गया है। कहां से आया है, कौन जगह से? इसीलिए हियरिंग ये फैसला ले चुका है। अब सी शुक्रवार से जो सुख क्या रहा है, सुख जहां तक हम सोच रहे निखरण ट्वेन तक ये अनिवार्य है। हां नहीं है तो अनिवार्य से लेकर के एकदम सोमवार तक 5 बजे सवेरे तक सब बंद रहेगा, सब बंद रहेगा भैया। बिलार तहाज दाम पर आने के मिना ही है। अब आप से बहुत का कहे, दाम पर कोई के किसी के कहीं बाहर किसी को जाना नहीं चाहिए। ये हम आपको बताते टोटल लॉकडाउन के बारे में। फन सेफन ईयर फ्राइडे सेफन ईयर से लेकर के सोमवार मानदाग तक 5 ईयर इन द ऑक्टेंट, मानदाग इन द ऑक्टेंट भाई जी। तो जहां तक हम सोचे कि ये फरवरी हो जाएगा, 8 फरवरी सोमवार को सब कुछ बंद रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा। ये संदेशा पहुंच गया आप तक ना, टोटल लॉकडाउन फॉर अ फ्राइडे 7 ईयर टोट एंड मैट मानदाग 5 ईयर इन द ऑक्टेंट। भाई जी श्री नाम के तमाम जनता, ये बीमारी नखली श्री नाम दुनिया भर को हिलाड़ी से बाप हिलाड़ी से हिल गया है। आज हम आप जनता के सामने भाई जी वो संदेशा रखने के लिए जा रहा हूं कि एक बाप ने अपने बेटी शर्ली मानहूफ का हत्या की, 8 साल के बच्ची, 8 साल के बच्ची शर्ली मानहूफ। ये आप इसका बयान आप जानते हैं, वो खुद आत्महत्या की जहर खाने के बाद और इस बच्ची को भी हत्या की सगा बेटी के बाद। मुझे पता चला कि कल इस बच्ची का अंत्येष्टि क्रिया हो गई है माता गौरी में, अस्खय के मौका रहा और फिर जाकर के एरका कब्रिस्तान में इनका अंत्येष्टि क्रिया हुई है। भैया हम लोग के लिए एक इतिहास एक खसखीज ने सोता है, एक चेतावनी के रूप में हम लोग को प्रभु परमात्मा ने यह सब बात हम लोग के सामने रख रहा है कि जब हम लोग अभी तक न समझ पाए हैं, दुनिया इसी से तैसी हो गई से भैया अभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि अपने बाल बच्चों के साथ कैसे इंसान को रहना चाहिए। बाल बच्चों के साथ एक मनुष्य को कैसे जिंदगी बसर करना चाहिए। करोड़ों साल बीत गया, करोड़ों साल अभी तक मनुष्य के समझ में आज नहीं आ पाया है कि अपने परिवार के साथ जिंदगी कैसे बसर करना चाहिए। ये बहुत दुख अफसोस के बात है भाई, जो हम लोग अभी तक ये कसूर करते जा रहे हैं। प्यारे जनता, हम अपने देश के जनताओं के लिए ये संदेशा देने जा रहा हूं और ये संदेशा ये है कि प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी है मार्च खुच, यानी कहा है मार्च है खुच, प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी मार्च है खुच।
इनका वोट फोर्डर रूसवेल्ट ने अखबार को यह संदेश दिया है। शनिचर को पॉजिटिव टेस्ट हुआ है और कोविड नहीं खंतीन, लेकिन अपने घर ही बैठ करके काम कर रहा है। और ठीक है, घर पर रह करके तो ये मामला हल हो जाता है, तो ये सब लोग ये बात जानते हैं। भाई जी, आप तो जानते हैं कि हम लोग देश के सूरीनाम में जो अब से सुख से हम लोग के टोटल लॉकडाउन होने वाला है। नीदरलैंड में भी आफंत लॉक शुरू हो गया है, नीदरलैंड। लेकिन नीदरलैंड में जब से ये आफंत लॉक शुरू हुआ है, वहां के लोग दुकान लूटने लगा है, उखाड़ने लगा दुकान, तोड़फाड़ करने लगा, सिपाही लोग को गिरफ्तार करता है, फोड़फाड़ करने लगा। वो देश जिस देश पर हम लोग अभी तक भरोसा रखे हैं कि हम लोग को रास्ता दिखाएगा, हम लोग को मदद करेगा, हम लोग के लिए सब कुछ करेगा, वो देश के बारे में बात करते हैं कि आफंत लॉक होते हुए वहां की जनता लूटमार, सुपरमार्केट, दुकान, ये वो तोड़ तोड़ करके सामान लूटने लगा, सिपाही सबके गिरफ्तार करने लगा है। भाई जी, हमें पता चला है कि एक फ्रक्त वाहन में हम जी वह हाफन के बारे में बात करते हैं, शिव शक्ति हाफन के बारे में हम बात करने जा रहा हूं। एक फ्रक्त वाहन में जो फ्रक्त वाहन चलाता है, मैंने जेट 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 से नाम शुरू उनका, जेट को गिरफ्तार किया गया है हाफन पर, क्योंकि उनकी फ्रक्त वाहन में 150 किलो ड्रग्स जानी बशलाख में सिपाही ने लिया है, द्वान ने 150 किलो ड्रग्स के बात हम कर रहे हैं उसी फ्रक्त वाहन में। वो आदमी जिसका नाम है जेट, जेट को पहले गिरफ्तार किया गया, जेट के बाद में मदोना बेई, ईशान देई, फिनसेंट, मदोना ट्वेंटक यार, ईशान डेटक यार एंड फिनसेंट फिर यार एंड जेट जो फ्रक्त वाहन का शोफेर, चार लोग गिरफ्तार हुआ है। 150 किलो ड्रग्स ये हाफन पर ये लोग पहुंच चुका था, हाफन पर पहुंच चुका था भाई जी। और आप समझ गए हैं कि लोग सोच रहे हैं कि चारों अलंग से कंट्रोल कंट्रोल है, सिपाही दाम पर है, सिपाही वहां है, दुआन यहां है तो वहां है, तो ये लोग का विचार हुआ यही धीरे से हम लोग पास कर दिया जाए, लेकिन गिरफ्तार हो गया है। ऐसे ऐसे करके भैया जी, तू जाने कितना सूरीनाम का रोन थोक लकड़ी कंटेनर में, कितना कंटेनर में लकड़ी स्मगल हो चुका है। सूरीनाम का प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने अपने भाषण के दौरान में कहा कि कितना मिलियन मिलियन पैसा के बेईमानी लोग करता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ कंटेनर बशलाख में लिया गया जिसमें करीबन 75,000 अमेरिकन से डॉलर के कीमत का लकड़ी जो ये लोग स्मगल कर रहे थे। सुनने में आया है कि फिर से एक परतई कंटेनर में यही कुछ दिन के बाद है, एक रोज या दो रोज हो रहा है, फिर से बशलाख में लिया गया जो लोग लकड़ी को स्मगल करने जा रहा था। भाई जी, जब सूरीनाम के रखेरिंग को, पुलिसी को,
सबके पता चल गए कि लकड़ी मोकल होता है, तो आपको अंधसुख भी करना चाहिए। कितनी सालों से यह यानी कि मोकल हुआ और केकरे जेब में यह सब पैसा गया है, श्री राम का धन चारों अलंग से ये लोग ने लूट ले बाप, चारों अलंग से लूट ले भैया। इसी कारण से सरकार को अब जैसे अंधसुख करना चाहिए, ये कब से ये लकड़ी जाता है और किकरे हुकुम से जाता है और किकरे जेब में पैसा जाता है। प्यारे प्यारे लोग, ये हाफन की बात है और लकड़ी भी हाफन पर लोग पहुंचाता है और वैसे वहां से प्रदेश चला जाता है, लेकिन किकरे जेब में पैसा जाता ये सरकार को लोग को बताना चाहिए। हम क्या देखे रहा भाई जी, बहुत मुसीबत है। फेनिजुलान से ओलफ शिप कमांडांटे रिहो चाफेस जी से फिर ट्वेंटर दो फेसर्स बोटन गयाना का बसराख में लिया है। दौंद डाक को यह हुआ है और आप तो जानते कि हिंचा तानी ख्रंस पर हो रहा है गयाना और फिनिशवेला। अरे मां भी देखिए श्री नाम भी पिसाई, समझे ना भैया, दो फेसेस बोटन कमांडांटे रिहो शाफेज जी सी फिल्म पेंटक दो फेसेस बोतन बसलाख में लिया है। यह हुआ नहीं से कश पर और फिनिशिलांग से ऑल ऑक्सिप ये बसलाख में लिया है। सूरीनाम को भी इस सभी बातों से दुख होगा कि हमारे मौदे हमारे कश पर भी तेल मिला है, इस तेल का कीमत कितना है अभी तक पता नहीं है। एक मामला जो कुछ दिन से चल रहा है, हम लोग को जरूरी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। अब यहां एक असेंबली इलेक्ट ब्रकोपोंज में चुनाव था, सेल्फियो आकिम बोतो वो एक चिट्ठी लिखी से पार्लियामेंट को, उस चिट्ठी में कारण बताता है कि वो किस तरीका से सोच रखा है, फैसला लिया है कि जिस पार्टी में था एनडीपी कैसे उसमें से निकल गया, उनका कुर्सी वापस दे दिया और किसी पार्टी में वो भर्ती नहीं होगा। वो दिखाया कि कितनी मुसीबत से और कितने विचारों से वो विचार किया और ये सब विचार करते करते अब ये फैसला पर आया, तो 5 जनवरी को अपना चिट्ठी भेज दिया पार्लियामेंट में। थोड़े दिन के बाद में अब वो फिर कुर्सी वापस चाहते हैं। यहां पर भैया देव शर्मान असेंबली लेट है ना, असेंबली लेट बसलाइट ओफरा की बोतो लेट इन हैंड इन फ्रंट पार्लियामेंट। भैया शर्मान पार्लियामेंट में सेल्फियो आकिम्बोतो चिट्ठी जो भेजी रहा, जो अखबार ने जिक्र की, वो रेज न दिया है काहे के वो असेंबली में से निकलता है। रेज न वार में एनजेपी फरलाद, रेज न वार है विल वेख फंड पॉलिटिक, रेज न है खात नीत न पड़ते। हमारे देखने में पार्लियामेंट को अपना समय बर्बाद न करे चाहिए। वो चिट्ठी के अंदर में जो बात ली चुका है, अगर कोई चिट्ठी से पता चला, अगर एक आदमी ने एरकन किया प्रोकुरर जनरल के पास, मैंने एक एकदम बहुत खुश होटन, तो कई बाद में बोली कि एक है बट खुश खरीफ मारे खेब नित
सीरियस एक वास्ती सीरियस एंड ऐसे कुछ बात और लिखी। ए भैया एक दफे चिट्ठी जो जात है भैया आपको लोग आपस समय बर्बाद न करो, बर्बाद करो तो आप लोग देखो कोविड 19 वैक्सीन कैसे आता सर नाम में, और हम लोग को चाहिए मिल करके ये बस मैटिंग या ये बीमारी को दूर करने के लिए। ए भाई जी हम देखेला कि खानसिस पार्ट में चार लोग डाका डाल रहा है, सिपाही को खबर मिला बस ये लोग ने भागने लगा, सिपाही ने गोली चलाया माइकल के पांव में लगा गोली, वो गिरफ्तार हो गया। फिर फरदाख्तन खानसिस पार्ट में डाका डालते हुए समय सिपाही ने गोली चलाया भाई जी, और माइकल ने गिरफ्तार हुआ और सब लोग इस वक्त सिपाही के हाथ में हैं। देखो हम आगे चल करके देखो जो लोग सूरीनाम से वापस जाते बेचलान को रेपट्रियंटन के बारे में बात करते हैं, अगर यहां से वो वापस जाते हैं तो संद्रे पर द हेल्थ कंट्रोल ऑफ द योहान आदोलफ टनल लुफ्टहाफन वहां पर कोविड 19 स्नेल टेस्ट आपको करना चाहिए, एंड ये स्नेल टेस्ट करते हुए इज रेंज त्रखाट जो यहां से जैसे मैंने कहा रेपट्रियंटन तो उन्हें 20 यूरो पैसा यहां लगेगा बेरोफरूफ मुबारक बेओकी को, जिस तरह से राजेश ओरी ने कहा 20 यूरो या 305 SRD आपको लगेगा, तो आप वापस जा सकते हैं अपने देश को। ए भैया जे बोथ हाउदर्स जो फ्री ने खेंग बल्ला बोथ हाउस कम वैन फेई बेबी से वो लोग पुराना सब्सिडी के पैसा के मांग किया 2019 क्वार्टर 2020 बहुत होदस चाहते हैं, वो कहते कि तारीफ तो है चढ़ा दिया सरकार ने एक तारीफ दिया है लेकिन डी केयर बेंजीन प्राइस पर हो हुआ है आप जाने भाई जी, तो बहुत होदस ये लोग पुराना सब्सिडी पैसा मांग की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पंप स्टेशन मकान वहां भी था, मकान घर द्वार पंप स्टेशन हैंडल साक मार्टल लूथर किंग व्याक के बात है, कल सवेरे सवेरे उसमें आग लगा और सब जल करके राख हो गया है। इस नीट पर सही कर्ज बवाकर था उस समय जवाब लगा है, भ्रांतियों तक तो पहुंचा भाई जी लेकिन ये मकान फर्शीकर नहीं था और ये जल करके राख हो गया है। बहुत से कोशिश की कि एक्सप्लोसिव न हुआ, मतलब कि जो टैंक रहा जमीन के नीचे अगर वो दगत न मौसे, ये बात हम बोलने जा रहा हूं पंप स्टेशन रॉक ऑयल जो है रॉक ऑयल, ये बहुत अफसोस के बात होता भाई जी अगर टैंक में आग लगा जो जमीन के नीचे है तब धमाका तो सुनते, लेकिन वो बच गया है, उन्हें बचाया है ब्रांतवेर ने बहुत कोशिश की और बचा। तो ये खबो पंप स्टेशन अनेक्स हैंडल साक इन फ्लामन ऑफ खान और एक्सप्लोसिव ये बच गया है। मैं देख रहा हूं कि मुंगो टापू पर भैल मार भैया एक आदमी आत्महत्या कर लिया वहां पर, मुंगो टापू के बात है, दो दल वहां पर वो महाभारत की लड़ाई हो रहा है, द वाइस प्रेसिडेंट रोनी ब्रंसवेक उनकी सहायता से एक प्रत्यय को वहां से निकाल करके और उन्हें बचाया ताकि ये झगड़ा भी वहां खत्म हो जाए।
वो आदमी ने जो आत्महत्या की है वो जहर खा करके मर गया है, क्योंकि वो कहते कि ससुराल उन्हें सताता था, शोन फैमिली नीच खुद नट हम लेफ द ससुराल उन्हें सताते थे, उन्हें दुख देता था। सेंशोर मुदर सोहन एडर है बखसीन नटन आंदर फ्रो, वही तो झगड़ा शुरू है, दो दल मारपीट भैया, आदमी ने जहर खा करके मर गया और इतनी मार वहां हो रहा था दो दल, तो एक दल को बड़ी मेहनत से एर ऑन स्टोन एंड फ्रैक्ट पर थे वर में फॉर नीलिंग एंड सेंट कप्लेक्ट ऑन ए डिश एंड ए वार्निंग। प्यारे भाइयों, द पुलिसी हिट द स्कूल फैमिली दो टेशन कॉम्स फॉर ब्रंसवेक नर पारा मारी वो ओवर खबरा। अगर सिपाही रोनी ब्रंसवेक की मदद से उन्हें शहर को नहीं लाता तो बहुत गजब हो जाता वहां मोंगो टापू पर। दो दल में मार हो रहा था भाई, एक तो आत्महत्या कर लिया है। हम हमेशा जनता को समझाते हैं, ये ब्रोफिच वालों कभी दांव पर खड़ा होकर पूछना चाहे तो ना खड़ा हो, आंतोद मत दो, उन्हें बोलने दो। अब एक देखिए ब्री रोफर्स एक ब्रोफिच को रोकता है, एक ब्रोफिच को शनिचर को हिरीना क्रिस्टीना वैक में रोक रहा है और कहे के झूठे उन्हें लूटने के लिए। उनसे पूछे कि ऐसा रास्ता के नाम आप जानो कहां है, बस एक औरत रहा इस ब्रोफिच पर भाई, हिरीना क्रिस्टीना के बाद जहां वाटर लेडी के है वहीं पर इस औरत को खड़ा किया तीन डाकू पूछने के लिए कि इस रास्ता के नाम आप जानत हो कहां है। उतर के गया, बस उनका ताश छीन करके कूद करके गाड़ी में बैठा भाग गया। भैया लोग दाम पर मत खड़ा हुई, बात करें बोले पांच एक कैची से खड़ा बात करें, औरत हो या मर्द हो, ये जिंदगी भाई तुम्हारा जिंदगी इंसान का जिंदगी बहुत कीमत है काका। ये डाकू लोग ने देखो किस तरीका से तुम्हें लूट रहा है। द फ्रो रेट ऑफ हर ब्रोफिट ओवर द हिरीना क्रिस्टीना वे ट्रेवल द रूफर्स मेथन ऑटो कॉमन फॉर द टीक रूफर्स स्टार्ट डायरेक्टिंग वाटर लेजन जहां खड़ा करके बीच बीच खड़ा हो गया गाड़ी मगर स्टॉप 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 ये रास्ता नाम जा तुम्हें लौट करके कहीं परासी घुस जाना चाहिए। अब आप हम आपसे क्या कही, उनका ताश छीन करके जितने पैसा सब कुछ ऐसे तब काट रहा, ये था वो था लैपटॉप वगैरह सब लेकर के भाग गया डाकू। एक दूसरा समीक्षा सुनो आप लोग, 35,000 और 100 यूरो रूफ ओवर फॉल ओश वेस्ट फॉर बेंडिंग इलाका कमवेना। ए फ्रैक्ट वाहन बस्ट्यूडर एंड से मेजर इंसिडेंट दी मिला रहा, ये अल्बिना से ये पहुंचा जहां रिशलिये के है, रिशलिये ये लोग स्टॉप हुआ केप एंड बफ्रोरन फ्रीचस लीफरन, वहां पर लीफर करने के बाद पैसा ऐसा करने के बाद ये दोनों रुका किलोमीटर सेफन तक पेशाब करने के लिए। जब तो रिशलिये गए ले जहां पर दुकान रहा, अरे वहीं पर भैया पैसा भर के ना इंजीनियर कर सकते थे। सही स्टॉप चंदार ना बाई किलोमीटर सेफन तक ऑन द इंजीनियर, बस एक ओ तो पहुंचा दो मास्कर पहन करके रूफर निकाली भैया लंबा पिस्तौल और इनों का तस केबिन में से छीन करके फरार वाहन जिसमें 35,000 SRD 1,000 यूरो ये सब पैसा
उठा करके वो सब भाग गए हैं। ये लोग देखते रह गया, ये लोग पानी गिराते रहा खड़े हो करके, छुल 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 वो चला गया। देखने का भाई मौसी, अरे जहां तू गए ले किप वगैरह बफरो रख के पकड़ा लीफर करे रिश्ते, तो वहां पर एक आध रुपया भर के पिशाब कर लेते। अब तू गलत डांग पर खड़े हो करके के दिखाओ दे लो, डाकू सब लूट के चला गया। शनिचर को मारवाई दस्तरात में एक बुढ़ाओ अखबार पढ़ती है, अखबार नड्डाम पर अपने बालकों में बैठी हुई है, बालकों में बैठ करके अखबार पढ़ रही है। अब एक चोर दूर से दूरबीन से देखता बुढ़ाओ के गटाई में मोटा केटी पहनी से, ये क्रिमिनल श्वेते कूद करके जिसे लगवाना बकैया खींचा 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 पहुंचा जहां बुढ़ो बैठा, कूद करके बालकन पर आया, मारिस बुढ़ो के गटाई का केटी खराक से टूटल, बस कसबा ओलो काबा लेबो उस तरफ ये डाकू भागते भागते भाग गया। अब बुढ़ो बैठे रह गए भैया बालकन पर, मोटा केटी लगाया रहा, ये चोर दूर से देख लिया, चलेंगे आगे तो हम आपको बताना चाहेंगे भाई। ये सूरीनाम के जनता एक कोच में एक सुनार को सिपाही गिरफ्तार की है, इसका नाम संदीप एस। संदीप एस कितने लोग के गहना लिया बनाने के लिए, गहना लिया पैसा लिया सब कुछ लिया, लेकिन संदीप एस ने बेईमानी कर लिया। फॉर दाइस ट्रेक इन ऑफ लिफ्टिंग भाई जी, कोई के गहना ले ले बनाने के लिए, पैसा ले ले गहना तैयार करने के लिए, तो खौत स्मिथ है सोनार तो क्या करे के चाहिए। संदीप एस ने पैसा लिया सब कुछ लिया सोना लिया, लेकिन जब ग्राहक आया लेने के लिए तो ग्राहक को दे नहीं पाया, उनके पास तो है ही नहीं, वो बेच खातदारी से संदीप को सिपाही आज गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें ले जा करके जेल में डाल दिया है। हम आगे चलते चलते भाई, हम आपको सूरीनाम के समस्या आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। देखिए बात यह है कि रखेरेंग श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी बार बार डियास्पोरा कैपिटल के सिलसिले में बातचीत किया, अखबार ने क्या जिक्र की है भाई जी, अखबार ने जिक्र की है कि डियास्पोरा कैपिटल लेने से पहले सरकार को ठीक रूप में देखना चाहिए कि यह पैसा क्रिमिनल खाउट है, वेट वासन वगैरह वगैरह, ये कहां के पैसा है, ऐसे मत करना कि डियास्पोरा कैपिटल लेने से पता चले बाद में ये गुनाह के पैसा है, क्रिमिनल खाउट वेट वासन वर्च वगैरह वगैरह। तो ये सब बात अखबार ने जिक्र की है, एक रिपोर्ट जो तैयार है दो प्रेसिडेंसी कमेसी डियास्पोरा कैपिटल एंड डियास्पोरा बैंक, तो ये सब सूरीनाम में जब आएगा न भैया जी, तो लोग ने अभी से जिक्र कर दिया है, वाक्साम है इसका बोधन भाई अंतरेकन डियास्पोरा कैपिटल। एक पुलिस इंस्पेक्टर निवाहन पर पॉजिटिव का टेस्ट है और कोविड 19, इसी कारण से 15 सिपाही 15
in navolging hierop zijn 15 politiemannen van dit bureau gisteren in thuisquarantaine geplaatst. Maar ik kan je een beetje boos zijn. Toen deze geile kam zijn om te betalen. Thuisquarantaine. Lekker bij hij wat politie. Bureau bent na hij. En kam waar per jari hij. Een pjekker admi baap. 28-jarige man. Goed pieker ke daarom. शुक्रवार को लड़ाई भी की है पारा में और किसी ने उनकी कढ़ियों में छुरा भोंक दिया एम्बुलेंस एम्बुलेंस वार्ड फॉर वोट अब ये सिपाही अंदेशुक करेगा कि कैसे ये सब बात हुआ है ना तो इसी कारण से ये बात अब अंदेशुक हो रहा है हम निकेरी की तरफ जाते हैं तो पता चला कि निकेरी में जहां बाजार है वहां पर एक नया आनबेर स्टेकर बनेगा पुराना स्टेकर यानी टूट गया है मार्क में मिस्टर दाऊद खुदा बख्श के कहना है कि एक नया मटेरियल ओम एन कंप्लीट न्यू स्टेकर टू मेकन सेंड्रेस gekocht het wachten is op een ponton om de palen te heilen alvorens over te gaan tot het verrichten van verdere werkzaamheden aan de aanmeersteiger. Dus openbare markt nieuw Nikeri, waar ik nou ja aanmeersteiger benega. Toen bhaije, ik senesa aur sunlo. Ek aadmi, jiska naam hai M. Ishak, M. Ishak. ये एक बैल खरीदा किसी से लेकिन खरीदने के बाद फेसबुक पर वो बेचने लगा एम इश इजाक हां एक की खरीदी से एक आदमी को शक हुआ कि ये आदमी जो गाय या बैल बेच रहा है ये केकर बैल है तो वो आदमी गया खुद देखने के लिए या खरीदने के लिए तो वो आदमी से कहा इशाक से भैया जी ये बैल तो हमारा है तो बोले हम खरीद ली है भैया करण एस से करण एस 25,000 में मैंने खरीदा और मैंने खरीद करके अब मैं बेच रहा हूं हमारा तो काम है खरीद करके और बेचना तो करण एस के नाम लिया तो सिपाही ने करण एस को गिरफ्तार कर लिया है बैल चोरी करके बेच इस रहा एखनार को पता चल गए जब फेसबुक पर एम इजाक बेचने लगा 25,000 में खरीदे थे करण से अब करण चला गए हैं जेल में ये देख ले तमाशा मौसी तू देखे का हुए तेरे देश में है? ये सब चीजवन ना हो रहा पहले भाई लेकिन देशवा में न जाने के कर नजर लग गए काकी न जाने के कर नजर लग गए सब चौपट हो गए देश देश चौपट हो गई सुभप्पा अब यहां पर हम आपको बताना चाहूंगा देसी सुरक्षा हीरा सिंह का विचार जो है अल्कोहल फॉर विंकल्स खफालक इन कोरोना टाइम पुलिसी लोग को इस पर नजर रखना चाहिए ये देसी ने आज फिर जिक्र की है कि दुकान के सामने दुकान पिकअप में बैठे हैं ही हु खिखी खोखो करते दारू पिए थे इनको छेड़छाड़ करता उनको खींच खांच करता तो सुरक्षा हीरा सिंह देसी का कहना है ये बहुत मुसीबत पैदा करेगा सूरीनाम में कोरोना के छोड़ करके ये लोग दुकान के सामने इसलिए दुकान के फर्क में भी मुसीबत पड़ सकता है और जो लोग ग्राम पर खड़े होकर के दारू पीते हैं उन लोगों को भी डर भी लगता है तो कमिश्नर्स को चाहिए पुलिस से ये समस्या ठीक रूप में बात करने के लिए ठीक रूप में बात करने के लिए मैं फिर से सुनने वालों को बताना चाहूंगा भाई जी
वो जो तेल के मामला है, हम लोग जानते हैं कि 4-5 पेटी हम लोग को मिला है ब्लॉक 8 और 5 तक पर, और ये तेल कब ये शुरू होगा, सरकार कब से ही शुरू करेगा इस तेल को निकालने के लिए, बिजनेस के लिए, हमारा देश कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, ये अभी जिक्र नहीं हो सका है। हम लोग को सिर्फ एक बात है कि हम लोग का के केस पर तेल मिला है, जबरदस्त तेल मिला है। भाई जी, ये जरूरी है जानने के लिए कि कितना पैसा, अभी लोग कहते हैं यहां ये मिलियार्डन के बात करते हैं, मिलियार्डन के बात करते हैं, टोटल एंड अपशी 12 महीना के टेट में 4 ऑन द टैंक किया है, 1.4 मिलियन हेक्टार ब्लॉक आखने फैक्ट की बात है। हम लोग के भविष्य ठीक हो सकता है, लेकिन अब तेल को निकालना चाहिए, और निकालने के बाद हम लोग को चाहिए अपना इकोनॉमी को सुधारने के लिए। अभी तक भाई जी स्कूल के बारे में हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। स्कूल के बारे में मिनिस्टर लेफस कुछ पैकेटन बनाया है स्कूल के बच्चों के लिए, देखो वो कैसे विचार करता है, कैसे वो काम करेगा स्कूल में बच्चों के साथ। स्कूल बंद है, कंटोर बंद है, और टोटल लॉकडाउन भी आ गया शुक्रवार से, आज आने वाले शुक्रवार से 7 बजे से टोटल लॉकडाउन, एकदम सोमवार के सुबह 5 बजे तक किसी को दाम पर आने के इजाजत नहीं होगा। जो तुम्हें खरीदना भैया एलन टेलो लो, जो खरीदना खरीद करके धर लो घर में, काके समझे ना, तेल प्याज का बोले थे चावल न, और कुछ कुछ जो जरूरी नीमक शुक्रू धर लो घर में, न जाने कैसे का हुए है। तो भाई जी बहुत समय आज हम आपको नहीं लूंगा, क्योंकि हमारा आदत भी नहीं है बहुत समय आपको लेने के लिए, आप तो जानत हो ना। तो आप लोग 7 बजे से ये लॉकडाउन शुरू है सूरीनाम में, आफन क्लॉक लोग कहते 5 बजे सवेरे तक, लेकिन टोटल लॉकडाउन शुक्रवार से शुरू, तो सब बंद रहेगा, सब बंद रहेगा। काकि जो खरीदना भैया खरीद के धर लो घर में, न जाने कैसे का होए, न आप लोग से हम इजाजत चाहते हैं, प्रेम से रहियो, प्यार से एक बात करियो, अपने लोग को मत भूलना और अपने आप पर ख्याल रखना।